अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. ओके, टुडे आवर टॉपिक इज़ जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स फिनोटाइप्स. आज हमने जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन करनी है ड्रोसोफिला में और मैन में. ठीक है, ड्रोसोफिला क्या है? ये हमारे पास एक फ्रूट फ्लाई होती है जो कि आपने देखी होगी. ठीक है, अगर नहीं देखी तो यहाँ पर आप इमेजेस में देख सकते हैं. अब सबसे पहले हमने बात करनी है क्रोमोसोम्स इन ड्रोसोफिला कि ड्रोसोफिला में जो फ्रूट फ्लाई है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं. तो अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो उसके पास 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, अगर हम पेयर्स में बात करें तो 4 पेयर्स हैं, बट अगर हम पेयर के अलावा वैसे बात करें तो कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 8 क्रोमोसोम्स. ठीक है, अब उन 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में हमारे पास जो 3 पेयर्स हैं वो मेल में भी और फीमेल में भी दोनों में सेम होते हैं, आइडेंटिकल हैं, एक जैसे होते हैं, इसलिए उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं. बट जो हमारे पास 4th पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, वो हमारे पास मेल में भी और फीमेल में भी दोनों में डिफरेंट है. ठीक है, और वही जो हमारे पास जो क्रोमोसोम डिफरेंट है, 4th पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यही बेसिकली जेंडर को डिटरमाइन कर रहा होता है. इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है? सेक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फीमेल है. ठीक है, फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं. ठीक है, और मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला साइन. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमारे पास अगर फीमेल होगी तो वो हमारे पास उसके पास XX क्रोमोसोम्स होंगे, और अगर मेल होगा तो हमारे पास एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट इन दो क्रोमोसोम्स, एक्स वाई क्रोमोसोम कहलाता है. ठीक है, इसी तरह अब अगर हम इसमें फीमेल को देखें तो उसके पास XX दोनों सेम है. ठीक है, लेकिन अगर हम मेल की बात करें तो एक जो है वो एक्स है, ठीक है, जो कि इन दोनों के पास सेम है, और एक इसके पास वाई क्रोमोसोम है जो थोड़ा छोटा करके थोड़ा दिखाया हुआ है, ये वाई क्रोमोसोम हो गया. ठीक है, अब जो हमारे पास इसमें एक्स क्रोमोसोम होता है मेल में, ठीक है, उसकी जो बेसिकली शेप है ये रॉड शेप्ड होती है. ठीक है, तो ये दोनों में सेम ही होती है एक्स, क्योंकि एक्स जो है वो मेल के पास भी है और फीमेल के पास भी है, तो ये दोनों सेम हैं, तो ये दोनों रॉड शेप्ड होते हैं. बट जो वाई है वो सिर्फ मेल के पास है, फीमेल के पास नहीं होता. ये जो वाई होता है ये कुछ हुक शेप दे रहा होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा. अब अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स इन मैन के, मैन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ये तो आप लोगों ने वैसे पहले पढ़ा हुआ भी है कि ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. अब जैसे हमने ड्रोसोफिला की बात की कि उसके पास जितने भी पेयर्स हैं वो सारे सेम हैं सिवाय 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के, ठीक है, जो 4th पेयर है. इसी तरह जो ह्यूमंस हैं उनमें भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, मतलब हम उन्हें ऑटोसोम्स भी कह सकते हैं, और जो 1 पेयर है जिसे आप 23rd पेयर कह सकते हैं वो हमारे पास डिफरेंट होता है मेल में भी और फीमेल में भी, इसलिए आप उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं. अब इसी तरह अगर हम मैन की बात करें, फीमेल की बात करें, तो उसके पास XX क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल के पास, मेल के पास XY क्रोमोसोम्स होते हैं. अब चूंकि हमारे पास फीमेल के पास XX ये दोनों सेम हैं क्रोमोसोम्स, है ना, तो हम इसे होमोगेमेटिक कहते हैं. फीमेल को हम हमेशा होमोगेमेटिक कहते हैं, और XY मेल के पास दोनों डिफरेंट है इसलिए हम इन्हें हेट्रोगेमेटिक कहते हैं. ठीक है, इसको हम मज़ीद आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसको होमोगेमेटिक और हेट्रोगेमेटिक क्यों कह रहे हैं. अगर हम फीमेल की बात करें, ह्यूमन फीमेल की, तो उसके पास चूँकि अब जो फीमेल है हमारे पास उसके पास एक्स क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़ हैं. यही बात की थी हमने कि फीमेल जो है उसके पास XX क्रोमोसोम होता है, तो उस इसलिए चूँकि उसके पास दोनों क्रोमोसोम्स XX वाले ही हैं, इसलिए वो जितने भी एक्स सेल्स प्रोड्यूस करेगी उसके पास 1 X क्रोमोसोम होगा. ठीक है, अगर हम मेल की बात करें तो हाफ ऑफ द स्पर्म्स कंटेन X क्रोमोसोम एंड हाफ कंटेन Y क्रोमोसोम.
लेकिन अगर हम मेल की बात करें तो उसको हमने हेट्रोगैमेटिक कहा था। हेट्रोगैमेटिक इसीलिए कहा था क्योंकि वो हाफ स्पर्म्स जो हैं वो एक्स वाले एक्स क्रोमोसोम्स के साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं और हाफ जो हैं वो वाई क्रोमोसोम्स के साथ। ये इसलिए हमने होमोगैमेटिक और हेट्रोगैमेटिक इसलिए कहा था। फीमेल को हमने होमोगैमेटिक कहा था क्योंकि वो जितने भी एक्स सेल्स प्रोड्यूस करेगी उसके पास एक्स क्रोमोसोम ही होगा, ऐसा ही है क्योंकि उसके पास वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है, ठीक है। और अगर हम मेल की बात करेंगे तो उसके पास एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए वो हाफ जो स्पर्म्स हैं वो एक्स के प्रोड्यूस करता है और हाफ वाई क्रोमोसोम के। अब अगर इफ़ अ स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेस द एग, द चाइल्ड विल बी अ गर्ल। अब अगर हमारे पास वो स्पर्म जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है वो एग को फर्टिलाइज कर रहा है, तो इट्स मीन कि हमारे पास जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा, गर्ल होगी। और अगर इफ़ द स्पर्म कैरिंग वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइजेस द एग, द चाइल्ड विल बी अ बॉय, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स और एक्स, ठीक है। अगर हमारे पास एक एक्स जो है वो फीमेल दे रही है और एक जो एक्स है वो मेल की तरफ से है, तो ये दोनों मिलके क्या बनेगा, एक्स एक्स क्या होती है, फीमेल होती है, इसका मतलब जो चाइल्ड है वो गर्ल होगी। इसी तरह अगर यहाँ पे बात करें कि एक्स जो है वो फीमेल डोनेट कर रही है और मेल जो है वो एग वाई वाले स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो फीमेल और मेल, यहाँ पे एक्स और ये वाई, एक्स वाई क्या मिलके बनता है, ये मेल है, तो इट्स मीन जो हमारे पास चाइल्ड है वो क्या होगा, बॉय होगा। फीमेल ने हमेशा एक्स ही एक्स क्रोमोसोम ही पास करना है क्योंकि उसके पास एक्स एक्स ही होता है, ठीक है। और मेल जो है उसके पास एक्स वाई होता है, इसलिए वो कभी एक्स देगा और कभी वाई देगा, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं द सेक्स क्रोमोसोम्स कैरिड बाय द स्पर्म्स देयरफॉर डिटरमाइंस द जेंडर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। कि स्पर्म्स जो हैं, जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स का पार्ट हैं, यही बेसिकली वो चीज़ हैं जो कि चाइल्ड का जेंडर को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।